नाबालिग युवती का शव चरी के खेत में मिला, कल शाम से थी गायब। घटना गांव सलेमपुर नगला खार थाना टूंगला क्षेत्र की युवती के परिवार में मचा कोहराम। मृतक युवती के मुंह में कपड़ा हुआ था, फंसा सलवार थी उत्तरी। रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस मौके पर कर रही है जांच। थाना टूंगला क्षेत्र के गांव सलेमपुर नगला खार में सुबह आज एक 15 वर्षीय युवती का शव चरी के खेत में पड़ा हुआ था। युवती कल शाम से अपने घर से गायब थी। जहां शव मिला, युवती की स्थिति बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक थी। उसके मुंह में उसके सूट का कपड़ा घुसा हुआ था, सलवार उतरी हुई थी, जिससे यह आशंका लगाई जा रही है कि पहले युवती के साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या की गई है। युवती के शव को खेत में मिलने की खबर से थाना टूंगला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए, नगला खार गांव के प्रधान जी द्वारा आज थाना प्रभारी टूंडला को एक सूचना दी गई कि एक चरी के खेत में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण पहुंचे, घटनास्थल का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया गया है। शव को पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम आके यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसमें तीन टीमें लगा दी गई हैं, थाना की टीम तो है ही, इसके अतिरिक्त एसओजी और सर्विलांस टीम लगा दी गई है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, जिस स्थिति में शव मिला है, क्या लगता है? देखिए, गले में उनके दुपट्टे का क्या कहते हैं दुपट्टा बंधा हुआ है और अन्य जो भी इसके कारण हो, हम से सभी पे हम डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे और जिस भी तरह के इसमें हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे आगे के हम कार्रवाई कराएंगे। नगला खार अपना गांव है, हम सब लोग हैं। जैसी सूचना मिली हम आई, यह खेत में सवेरे एक शव मिला है, तो ये शव बेटी का है। लोगों ने पहचान लिया, इसी गांव की बेटी है और बेटी गायब हुई, कब कहां गई, कैसे गई वो मालूम नहीं पड़ पाया। लेकिन आज सवेरे जिस तरह से जघन्य रूप से मारा है, उसके मुँह में कपड़ा है और आँख भी निकली हुई है। बेटी का लोटा जो सोच के लिए कि वो लेके गई, गांव वालों ने समझा हो सकता है कि भागवत में चली गई हो, रात को नहीं मिली, ढूंढते रहे। लेकिन जिस तरह से जघन्य अपराध किया है, दोषी किसी तरह से बख्शे नहीं जाने चाहिए और शासन और प्रशासन से हमने मांग की और करेंगे। यहाँ सब अधिकारियों से निवेदन किया है या कहा है, हर हालत में उसको ट्रेस करो, सर्विलांस पर फ़ोन लगा करके जानकारी करो। इस तरह से कोई भी दोषी हो, कोई भी कितना बड़ा हो, लोकल हो, बाहर का हो, उसको न छोड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी दंड कार्रवाई की जाए। अभी FIR लिखने उनके पिताजी चले गए हैं, राजा चौकी पर FIR हो रही है, पोस्टमार्टम भी हो रहा है। इसीलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करूँगा, जिस तरह की घटना हुई है, बड़ी घटना है, माफ़ करने योग्य नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे आगे कोई किसी तरह का ऐसी घटना करने से पहले सोचे। सही बात है। मौत हुई है, ये कौन है आपके रिश्ते में? मेरी बहन है। अच्छा, क्या हुआ था? जी, भागवत में गई, भागवत में से लौट के आई है, फिर शौचालय के लिए गई है, जब जागा फिर लौट के नहीं आई है। कौन से कब की बात है ये? जी, कल 3 बजे के और 4 बजे के बीच का कांड है, फिर लौट के आई नहीं है। फिर साहब को इनने बताइए, और बात नहीं बताइए, रिश्तेदार को बता दीजिए, सूचना दे दीजिए। रिश्तेदार शाम को आ गए, हमको तो सवेरे लड़का गया चली काटने के लिए, तब सूचना मिली है, जब आ गए तो पता पड़ा है। कैसे, क्या लगता है कैसे मौत हुई है? मौत तो ऐसी लग रही है हमें कि जी दारू फारू पी के और थप्पड़ियाँ करा, मुँह में कपड़ा भरा है, बहुत बुरी हालत करी है।